सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। आयुब करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर हिंदी डबिंग आर्टिस्ट यानी कि संकेत मात्रे। अब यहाँ पर केवल 50% ही यहाँ पर मूवी में अपनी वॉइस ओवर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके इस वीडियो में आपको दो रीज़न बताऊँगा, सो उसको मिस मत करना। सो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड से पहले जितने भी मूवीज़ आती थी उनमें 90% मूवीज़ में यहाँ पर संकेत मात्रे ही वॉइस ओवर करते थे। और दोस्तों, वो मूवी ज़्यादातर यहाँ पर फैमिली एंटरटेनर ही होती थी और इसी से हमारी शुरुआत होती है यहाँ पर फर्स्ट रीज़न की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जितनी भी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है वो लगभग 100-200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और अब उन मूवीज़ को देखकर यहाँ पर कोई भी डायरेक्टर नई मूवीज़ तो बनाना चाहता ही नहीं है। और अभी आप जितनी भी मूवीज़ देखोगे यहाँ पर उनका कंटेंट अलग ही रहेगा और थोड़ा मास कंटेंट देखने को मिल जाएगा, जैसे पुष्पा हो गई, KGF हो गई, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी है। अब इन मूवीज़ में यहाँ पर संकेत मात्रे की वॉइस अगर हम लगा दें तो वो तो आपको देखने से पता चल ही गएगा कि कितनी यहाँ पर मूवी को यहाँ पर फ्लॉप और डिजास्टर कराने का एक रीज़न साबित हो सकता है। और इसी को देखते चलते यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हिंदी डबिंग डायरेक्टर, उन मूवीज़ ने यहाँ पर ये फैसला ही कर लिया है कि जितने भी यहाँ पर हम एक्शन यहाँ पर नए कंटेंट वाली मूवी बनाएंगे उनमें हम संकेत मात्रे को तो लेना ही छोड़ देंगे। सो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे सेकेंड रीज़न की। अब सेकेंड रीज़न की दोस्तों मैं बता तो चलूँ कि यहाँ पर कोविड से पहले जितने भी मूवीज़ बनती थी उन मूवीज़ का बजट यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 करोड़ यहाँ पर मैक्स यहाँ पर 50 करोड़ से होता है, बाहुबली 1 और KGF जैसी मूवीज़ को छोड़कर, है ना। और फिर उन मूवीज़ की यहाँ पर अगर हिंदी डबिंग राइट्स वहाँ पर बहुत ही कम करोड़ में ही बिक जाते होंगे, लगभग 1-2 करोड़ में ही उन मूवीज़ के हिंदी डबिंग राइट्स बिक जाते हैं, जिससे यहाँ पर मूवीज़ के यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स के यहाँ पर रेट ही कम होगा तो यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट भी अपना कम ही यहाँ पर पैसा चार्ज करेंगे। और जैसे यहाँ पर कोविड आया और कोविड के बाद यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर एंटरटेनमेंट को छोड़कर किसी मास एक्शन मूवी को देखना पसंद किया और उसी को देखते चलते डायरेक्टर ने भी कुछ अंधाधुनी पैसा लगा दिया और एक्टर ने भी अपनी फीस और बढ़ा दी, जैसे कि थालापति विजय और यहाँ पर हमारे पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे चार्ज किए और इन्हीं कारणों से यहाँ पर इन मूवीज़ के यहाँ पर बजट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बजट रिकवर करने के लिए यहाँ पर हिंदी डबिंग राइट्स और बहुत सारे राइट्स से थोड़ा यहाँ पर महंगा बेचा जाता है। और महंगा बेचने से मतलब यही है कि अगर उन मूवीज़ के हिंदी डबिंग राइट्स यहाँ पर महंगे बेचे गए हैं तो यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट भी महंगे होंगे। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट जो कि ऐसा होने के कारण यहाँ पर अपनी वॉइस देने के लिए यहाँ पर अपना चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी डबिंग कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पर ऐसा पता कर लेती हैं और कुछ यहाँ पर नुकसान भी सह लेते हैं। लेकिन कुछ डबिंग कंपनियाँ ऐसी भी है जो कि यहाँ पर संकेत मात्रे और ऐसे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट को हटा देते हैं और उनके जगह यहाँ पर नए वॉइस आर्टिस्ट को ले लिया जाता है। और देखा जाए तो नए वॉइस आर्टिस्ट भी यहाँ पर कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पर पता है कि हमको यहाँ पर कम पैसा मिल रहा है लेकिन हमको बड़ी बड़ी मूवीज़ में यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर हमको काम में लिया जा रहा है। और अब यही कारण है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों रीज़न आपको अच्छे लगे और कुछ यहाँ पर इनमें भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।